वेलकम टू द पाठशाला। आज के दिन से मैं आपका स्टार्ट कर रहा हूँ बायोलॉजी का कोर्स। इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने कोर्स का ओवरव्यू दिया था और मैंने बताया था कि आपका जो पहला लेक्चर होगा वो बायोलॉजी के इम्पॉर्टेंट टर्म से लेके होगा। तो आज हम बायोलॉजी के इम्पॉर्टेंट टर्म्स को पढ़ेंगे, लेकिन समझ लीजिए कि ये जो बायोलॉजी के टर्म्स पढ़ रहे हैं वो कहाँ कहाँ पूछा जाता है। ये बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पॉर्टेंट है, साथ में अगर बात करें इंग्लिश में तो इंग्लिश में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के फॉर्म में भी इसे पूछा जाता है। कई बार सिनोनिम्स एंटोनिम्स में पूछ दिया जाता है और कई बार कई और जगहों पर इसका यूज हो जाता है। तो जो ये कोर्स है, जो मेरा कंप्लीट कोर्स बायोलॉजी का होने वाला है, ये आपका वन डे होने वाले सभी एग्जाम को कवर कर लेगा। ये सिर्फ एसएससी को ही नहीं कवर करेगा, ऑलमोस्ट सभी एग्जाम को कवर कर लेगा और ये एक कंप्लीट पैकेज होगा। तो अगर आप में से कोई नया स्टूडेंट है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए सीखते हैं इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल टर्म्स। देखो, पहला जो हमारा टर्म है वो है एग्रोलॉजी। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए, ये लॉजी है, ये अध्ययन के लिए बोलते हैं। किसके लिए बोलते हैं? अध्ययन के लिए। इसको स्टडी के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये एक आपका सफिक्स है। क्या है? सफिक्स है। प्रीफिक्स होता है और सफिक्स होता है, तो ये आपका क्या है? सफिक्स है। अब उसके बाद एग्रो लगा है। एग्रो एग्रीकल्चर का एक आगे वाला पार्ट है। तो एग्रो का मतलब है कुछ ना कुछ आपका एग्रीकल्चर से रिलेटेड होगा। तो एग्रीकल्चर से क्या रिलेटेड है ये देखते हैं। सॉयल साइंस डीलिंग स्पेशली विथ प्रोडक्ट ऑफ क्रॉप। देखो ये क्या है ना कि मिट्टियों का एक अध्ययन है। सॉइल का अध्ययन करते हैं कि क्रॉप का प्रोडक्शन किस सॉइल में कितना बेहतर हो। जब ये वाला चीज हम अध्ययन कर रहे होते हैं तो उस पर्टिकुलर सेक्शन को बोलते हैं एग्रोलॉजी। इस जो है टर्म के अंतर्गत वो सारा का सारा जो क्रॉप होता है हमारा, किस मिट्टी में कौन सा क्रॉप बेहतर तरीके से उग पाएगा, उसका अध्ययन करते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट टर्म एग्रोस्टोलॉजी। इसमें क्या है? लॉजी तो लगा हुआ है, अध्ययन है, साथ में एग्रो भी है, स्टो भी है। तो स्टडी ऑफ ग्रास। क्या है? ग्रास। ग्रास एक तरीके से आपका क्या है? एग्रीकल्चर से रिलेटेड, आप इसको क्रॉप में डाल सकते हैं। और साथ में स्टो लगा है, तो स्टो कीवर्ड याद रख लीजिए सिर्फ और सिर्फ कि स्टो जो है वो आपका ग्रास को बता रहा है। तो एग्रोस्टोलॉजी ये आपका बायोलॉजिकल टर्म है। इसमें ग्रास के अध्ययन को, घास के अध्ययन को हम एग्रोस्टोलॉजी के अंतर्गत पढ़ते हैं। इसके बाद है स्टडी ऑफ ज्वाइंट्स। ज्वाइंट्स के अध्ययन को आर्थ्रोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर्थ्रोलॉजी। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ फ्लावर एंड फ्लावरिंग प्लांट्स। देखो ये कई बार जो है आपके एग्जाम में पूछा गया है। इसको बोलते हैं एंथोलॉजी। लॉजी अध्ययन के लिए आता है, एंथो जो है वो आपका फ्लावर और फ्लावरिंग प्लांट के अध्ययन के लिए आपका एक टर्म रखा गया है। तो एंथोलॉजी के अंतर्गत हम फ्लावर और फ्लावरिंग से रिलेटेड जितनी भी चीजें होती हैं सबका अध्ययन करते हैं। उसके बाद है स्टडी ऑफ ब्लड वेसल्स सिस्टम इंक्लूडिंग आर्टरीज एंड वेन्स। देखो जो हमारा वैस्कुलर सिस्टम होता है उसके अध्ययन को क्या बोलते हैं? एंजियोलॉजी। क्या होते हैं? एंजियोलॉजी। ब्लड वैस्कुलर सिस्टम जिसमें हमारा आर्टेरीज आता है, वेन्स आता है, इस पे बेस बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं इसको आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा जब हम पढ़ रहे होंगे सिस्टम, ह्यूमन सिस्टम जब पढ़ रहे होंगे तो इसको थोड़ा सा डिटेल पढ़ाऊंगा। तो इसको बोलते हैं एंजियोलॉजी। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा बायोलॉजिकल टर्म है काउंटिंग एंड एनालाइजिंग एनल ग्रोथ रिंग्स ऑफ ट्री टू नो इट्स एज। क्या है? काउंटिंग एंड एनालाइजिंग एनल ग्रोथ रिंग्स ऑफ ट्री टू नो इट्स एज। इसको बोलते हैं डेंड्रोक्रोनोलॉजी। ये जो क्रोन होता है ना ये काल के लिए आता है, तो डेंड्रोक्रोनोलॉजी। लॉजी मतलब अध्ययन, डेंड्रोक्रोनोलॉजी। अब जैसे क्या है ना कि किसी पेड़ को कट करोगे तो इस पेड़ के जो ये वाला पोर्शन रहता है ना, तो कई सारे इसमें रिंग्स रहते हैं। तो इस साइंस के अंतर्गत जो है, इस पोर्शन के अंतर्गत उसी चीज का अध्ययन करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है स्टडी ऑफ फर्टिलाइजेशन ऑफ एग, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, एम्ब्रियोलॉजी। इसमें क्या है ना यार कि देखो जाइगोट का फॉर्मेशन कैसे होता है, फिर उससे एम्ब्रियो कैसे बनता है, ये पूरा का पूरा पोर्शन जो है हम इस पर्टिकुलर टर्म के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। वैसे अगर आपको एम्ब्रियो याद रह जाए, अगर वहां पे एग्जाम में देखने को मिल जाए, तो सीधे सीधे एम्ब्रियोलॉजी, एम्ब्रियो के अध्ययन को क्या बोलते हैं? एम्ब्रियोलॉजी। तो पूरा का पूरा फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, उससे एग फॉर्मेशन कैसे होता है, जाइगोट कैसे बनता है, फिर जाइगोट डेवलप होके एम्ब्रियो कैसे बनता है, ये पूरा का पूरा जो सेगमेंट है वो इस टर्म के अंतर्गत आता है। इस टर्म के अंतर्गत ही हम इसका अध्ययन करते हैं, ये साइंस का एक पार्ट है। इसके बाद नेक्स्ट टर्म है इयोजेनिक्स एंड इयोफेनिक्स। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों टर्म्स ऐसे हैं जब आपके एग्जाम में आते हैं ना तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है, तो इसको समझिएगा। स्टडी ऑफ फैक्टर्स कनेक्टेड विद द इम्प्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन रेस। देखिए यहाँ पे एक जीन वर्ड है, ठीक है, तो जीन आप लोग जानते हो कि बात होती है जब हम एक जो है जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि जो ह्यूमन रेस है, जो मानवता है, मानवता का डेवलपमेंट कैसे हुआ, कैसे कैसे इम्प्रूव हुआ, पहले किस तरीके से दिखता था, फिर चीज़ें कैसी बदली, फिर कैसा
चीजें चेंज होता चला गया है। तो अगर इसकी स्टडी करते हैं तो उस जो है पर्टिकुलर जो है पार्ट को हम इओजेनिक्स बोलते हैं। उसके बाद आपका टर्म आता है इओफेनिक्स। अब यहां पे जो है डिफेक्टिव ट्रीटमेंट की बात करते हैं। अगर हम बात करें हेरिडिटी की, अगर उसके डिफेक्टिव ट्रीटमेंट की बात करें थ्रू जेनेटिक इंजीनियरिंग, तो ये की वर्ड है। अगर हम यहाँ पे बात करें जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू हेरिडिटी का डिफेक्टिव ट्रीटमेंट की, तो हम उसको बोलते हैं इओफेनिक्स। अब इसके बाद आपका नेक्स्ट टर्म है एप्लीकेशन ऑफ साइंस फॉर एनालिसिस ऑफ वेरियस फैक्ट्स एंड एविडेंस टू आइडेंटिफाई द कॉज ऑफ द पर्सन इन्वॉल्व इन क्रिमिनल एक्ट। इसको बोलते हैं फॉरेंसिक साइंस। और ये टर्म ऐसा है जो आप लोग जानते हैं और ये कॉमन यूज में आने वाला टर्म है, इसलिए एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा भी जाता है कि जैसे किसी की डेथ हो गई, ठीक है, अब किसी ने मर्डर कर दिया तो कैसे पता चलता है? फॉरेंसिक साइंस के थ्रू उसकी जांच होती है, उसके बाद जो है फॉरेंसिक रिपोर्ट आती है, उस रिपोर्ट में चीजें समझ में आती है कि जो हत्या हुई है वो कैसे हुई है, उसका कारण क्या रहा है। आपने जब भी मूवीज वगैरह देखी होगी तो जब भी जो है डेड बॉडी मिलती है तो हमेशा पुलिस वाले बोलते हैं ना फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दीजिए। तो ये पूरा का पूरा जो साइंस है वो इसी चीज को डील करता है। उसके बाद है कि अगर बात करें फॉरेस्ट की, अगर बात करें जंगल की, तो उसका डेवलपमेंट और उसका जो मैनेजमेंट है वो फॉरेस्ट्री के अंतर्गत हम पढ़ते हैं। इसके बाद एक और टर्म आता है जो भी आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, प्रोसेस ऑफ इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन दैट ऑकर इन माइक्रोब्स एंड अदर सेल्स इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। बस ये टर्म याद रखना है, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ इथाइल एल्कोहल। देखो एक ऐसा जो है प्रोसेस रहता है, बायोलॉजिकल टर्म है ये फर्मेंटेशन, जिसके अंतर्गत क्या होता है कि ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं रहता है। क्या है? ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं रहता है और जो एंड प्रोडक्ट आता है उसमें इथाइल एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। तो ये क्या है, इसको फर्मेंटेशन बोलते हैं, प्रोसेस ऑफ इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन। एक और ये टर्म याद रख लीजिए, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन की बात करते हैं माइक्रोब्स के थ्रू जब ऑक्सीजन जो है अब्सेंस हो, ऑक्सीजन प्रेजेंट ना हो और इथाइल एल्कोहल का फॉर्मेशन हो, उसको बोलते हैं फर्मेंटेशन। इसके बाद आपका नेक्स्ट टर्म है स्टडी ऑफ वेरिएशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटरी कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू दियर यंग वंस। जैसे कि माँ बाप से जो है उनके बच्चों में चीजें कैसे ट्रांसफर हो रही है, क्या चीजें माँ बाप में थी, क्या चीज बच्चे में नहीं है, तो ये जिस चीज के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है उसको बोलते हैं जेनेटिक्स। क्या बोलते हैं उसको? जेनेटिक्स। स्टडी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। देखो ये जो गाइनो वर्ड होता है, जो गाइन ये वर्ड होता है वुमेन से रिलेटेड, तो गाइनो इकोलॉजी। क्या बोलते हैं? गाइनो इकोलॉजी, गाइनोकोलॉजी ऐसे बोलते हैं, गाइनो इकोलॉजी। इसको ब्रेक करके आप पढ़ सकते हैं। स्टडी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल और स्टोमक एंड इंटेस्टाइन रिलेटेड डिसऑर्डर। देखो जो हमारा स्टोमक होता है, ठीक है, इंटेस्टाइन के अंदर क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या एलिमेंट्री कैनाल के अंतर्गत प्रॉब्लम आ रही है, तो ये जो अध्ययन करते हैं उसको बोलते हैं गैस्ट्रोइंट्रोलॉजी। क्या बोलते हैं? गैस्ट्रोइंट्रोलॉजी। इसको याद कर सकते हो कि भाई पेट में हमारे गैस बनता है और उसकी वजह से क्या है इंटरनल प्रॉब्लम हो जाता है, तो इस तरीके के अध्ययन को बोलते हैं गैस्ट्रोइंट्रोलॉजी। उसके बाद जो है नेक्स्ट टर्म है आपका वो है स्टडी ऑफ टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन एंड दियर इंटरनल स्ट्रक्चर विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप की मदद से जो हमारी टिश्यूज होती है, जो टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन पूरा का पूरा रहता है, उसका इंटरनल स्ट्रक्चर जब हम अध्ययन करते हैं तो उसको बोलते हैं हिस्टोलॉजी। क्या बोलते हैं उसको? हिस्टोलॉजी। इसके बाद नेक्स्ट टर्म है उसका स्टडी ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स। ये इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा आपके एग्जाम में पूछा जाता है, स्टडी ऑफ ग्रोइंग प्लांट विदाउट सॉयल इन वाटर विच कंटेन न्यूट्रिएंट्स। देखो क्या होता है कि एक जो है प्लांट उगाया जाता है सिर्फ और सिर्फ वाटर में कुछ न्यूट्रिएंट्स की मदद से, इसको बोलते हैं हाइड्रोफोनिक्स। क्या बोलते हैं इसको? हाइड्रोफोनिक्स। ये टर्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में पूछा जाता है। स्टडी ऑफ किडनी, किडनी के अध्ययन को बोलते हैं नेफ्रोलॉजी। क्या बोलते हैं? नेफ्रोलॉजी। ये भी कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है और ऑन्कोलॉजी भी कई बार पूछा गया है, कैंसर और ट्यूमर्स जो हमारे होते हैं अगर उसकी अध्ययन करते हैं तो ऑन्कोलॉजी के अंतर्गत आता है। उसके बाद है साइंस रिलेटेड विद केयर ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन बिफोर ड्यूरिंग एंड आफ्टर चाइल्ड बर्थ। देखो जो प्रेग्नेंट वुमेन्स होती हैं पहले और प्रेगनेंसी के दौरान और प्रेगनेंसी के बाद, ये जो साइंस पूरा का पूरा ये पार्ट डील करता है उसको बोलते हैं ऑब्स्टेरिक्स। क्या बोलते हैं? ऑब्स्टेरिक्स। इसके बाद नेक्स्ट टर्म है स्टडी ऑफ बर्ड, इसको बोलते हैं ऑर्निथोलॉजी, और दूसरा टर्म है स्टडी ऑफ आइज, ऑप्थेल्मोलॉजी बोलते हैं इसको। क्या है? बर्ड्स के अध्ययन को। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्सर करके आपके एग्जाम में पूछ दिया जाता है, और आइज के अध्ययन को बोलते हैं ऑप्थेल्मोलॉजी। नेक्स्ट टर्म है आपका डायग्नोसिस एंड रिपेयर ऑफ डिसऑर्डर ऑफ लोकोमोटर सिस्टम। लोकोमोटर सिस्टम के अध्ययन को, और मतलब सपोज करो कि उसमें क्या प्रॉब्लम हो गई, उसमें क्या डिसऑर्डर्स आ गए, उसका डायग्नोसिस करना, उसका रिपेयर करना, ऑर्थोपेडिक्स के अंतर्गत इसको हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट है माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म विच पैसिवली फ्लोट ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर। देखो
बात हो रही है माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म की। ये बहुत छोटा सा होता है। ये क्या करते हैं कि वाटर के सरफेस पे पैसिवली फ्लोट कर रहे होते हैं, तो इनको बोलते हैं फाइटो प्लैंक्टॉन। क्या बोलते हैं? फाइटो प्लैंक्टॉन। नेक्स्ट है आपका ऑर्गेनिज्म विच डिपेंड ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर दियर फूड एंड शेल्टर। ये भी कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसको बोलते हैं पैरासाइट। पैरासाइट वो होते हैं जो अपने जीवन के लिए किसी और पे डिपेंड करते हैं। स्टडी ऑफ फॉजिल्स भी कई बार पूछा जा चुका है, फॉजिल्स के अध्ययन को। फॉजिल हिंदी में बोलते हैं जीवाश्म। जीवाश्म वो चीज होती है जो, जैसे आदमी कोई मर गया तो बचा खुचा अवशेष जो रहता है उसको बोलते हैं जीवाश्म। इसमें हड्डियां वगैरह आती है, उसको बोलते हैं पैलियंटोलॉजी। क्या बोलते हैं? पैलियंटोलॉजी। इसके बाद है स्टडी ऑफ फ्रूट एंड फ्रूट यील्डिंग प्लांट। इसको बोलते हैं पोमोलॉजी। क्या बोलते हैं? पोमोलॉजी। ध्यान से रखिएगा, यहाँ पे जो कीवर्ड टाइप है वो गलत है। ये एक्चुअली पैथोजन से रिलेटेड है। पैथोजन की वजह से जो रोग होता है उसके कारण क्या है, उस समस्या का समाधान कैसे किया जा सकता है, वो पैथोलॉजी के अंतर्गत पड़ते हैं। लेकिन अगर बात करें फ्रूट और फ्रूट यील्डिंग प्लांट की, तो वो हम पोमोलॉजी के अंतर्गत पढ़ते हैं। इसके बाद है स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड एंड बिहेवियर। जो हमारा दिमाग है वो किस तरीके से बिहेव करता है, ये साइकोलॉजी के अंतर्गत पढ़ते हैं। क्या? साइकोलॉजी के अंतर्गत हम पढ़ते हैं। इसके बाद है रियरिंग ऑफ फिशेज। ये बहुत ज्यादा आपके एग्जाम में आता है। इसको बोलते हैं पीसी कल्चर। स्पेलिंग थोड़ा सा गलत है कल्चर की। पीसी CULTURE होता है, तो इसको सही कर लीजिएगा। PSCICULTURE कल्चर। इसके बाद है स्टडी ऑफ लिजार्ड्स। लिजार्ड्स के अध्ययन को साउरोलॉजी बोलते हैं। इस वर्ड को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कई बार जो है ये और सेरोलॉजी मिक्स हो जाता है। तो साउरोलॉजी एंड सेरोलॉजी। साउरोलॉजी वो होता है, लिजार्ड्स के अध्ययन को बोलते हैं। लेकिन अगर बात करें हम अपने ब्लड में सीरम इंट्रैक्शन करें, जो कि एंटीजन या एंटीबॉडीज हो सकती है, तो उसको सेरोलॉजी के अंतर्गत हम पढ़ते हैं। तो याद रखिएगा क्या है, स्टडी ऑफ सीरम इंट्रैक्शन ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडीज इन द ब्लड। ब्लड के अंदर जो है हम अगर सीरम इंट्रैक्शन करते हैं, जो कि एंटीजन या फिर एंटीबॉडी हो सकती है, तो उसको सेरोलॉजी के अंतर्गत पढ़ते हैं। और आज का जो लास्ट वर्ड है वो है रिनोलॉजी। रिनोलॉजी किसको बोलते हैं? रिनोलॉजी बोलते हैं जब हम उस पार्ट का अध्ययन करते हैं जिसमें हमारा नाक आता है या फिर ऑल्फैक्टरी ऑर्गन आता है। क्या? जो हमारा नोज आता है या फिर ऑल्फैक्टरी ऑर्गन आता है, अगर इसका अध्ययन कर रहे हो तो उसको हम बोलते हैं रिनोलॉजी। ये भी आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। तो जितने वो अच्छे कीवर्ड्स हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो मैंने यहाँ पे कवर करने की कोशिश की है। अगर किसी को इससे ज़्यादा भी पढ़ना है तो लूसेंट की बुक में बहुत सारा दिया है, और इसके अलावा मैंने वो सारे जो वर्ड्स हैं जो कॉमनली आप लोग जानते हो उसको अवॉइड किया है। तो आगे के लेक्चर में इसके आगे वाला पार्ट कंटिन्यू करूंगा। सो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सीजीएल एप्टीट्यूड पार्ट्स वाला। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।